चलिए आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2003 का प्रीवियस ईयर का पेपर का पूरा सॉल्व क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन जितना भी 2003 में आया था मैं सारा आपको रिवीजन करा दूँगा। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसीलिए आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक। ठीक है, तो आप सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेंगे एग्ज़ाम आते आते। ठीक है, जब भी जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होगा ही। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, वो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला जो अजमेर में राजस्थान में लगता है। ठीक है, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट में को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट में क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो क्रॉस क्यों किया जाता है, ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, बैंक के खाते के द्वारा ही भुगतान उसमें किया जा सके, इसीलिए उसे क्रॉस किया जाता है। उसके बाद लिखा है एड्स नहीं फैलता। एड्स जो है वो देखिए सेक्स करने से फैलता है, संक्रमित सुई से भी फैलता है और संक्रमित खून से भी फैलता है, तो किससे, बातचीत करने से और हर मरीज को छूने से नहीं फैलता है। उसके बाद लिखा हुआ है किस से ऊन प्राप्त नहीं होता है निम्नलिखित में से, तो किससे ऊन नहीं होगा, सुअर से ऊन हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ये स्टील के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओबीसी देखिए ये कैटेगरी वाला ओबीसी है, जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो तो ये जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी सबके लिए बता दूँ ओबीसी का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए जो है वो है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, देखिए अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वो ट्रिक या जानते होंगे तो इससे तो उससे आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड हुआ था रेलगाड़ी में लोगों को जला दिया गया था। ठीक है, भरी हुई रेलगाड़ी में आग लगा दिया गया था, जिससे लोग जल के मर गए थे, तो वो गोधरा कांड किस लिए, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। देखिए उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंध है, श्वेत क्रांति दूध से संबंध है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के भारत में जनक है M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद देखिए सार्स क्या है। सार्स जो है वो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स। देखिए अगला क्वेश्चन है मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। जो मंडल कमीशन था वो किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ था, तो किस वीपी सिंह के समय में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती। देखिए समुद्र तल को गुजरात भी छूती है, तमिलनाडु भी छूती है, मुंबई भी छूती है, बस पंजाब नहीं छूती है। ठीक है, देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, विजय घाट है। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। देखिए कानपुर नहीं, कानपुर कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। देखिए उत्तराखंड का देहरादून है, ये देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, ये उत्तराखंड का देहरादून ये सही है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ सही है, ये कानपुर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, ये ए नहीं होगा, बी होगा, बिहार का पटना है। ठीक है, अगला देखिए नाजीवाद के संस्थापक कौन है। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज, गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। वो फ़कीर की तरह रहते थे, पैसे इतने सोने चांदी आभूषण होने के बाद भी वो फ़कीर की तरह रहते थे, इसलिए उससे उन्हें गरीब नवाज कहा जाता था। कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन नगर कौन सा है, पतन नगर है वो लोथल है।
सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। जंप बॉल निम्न में से किससे संबंधित? जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, और उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है मक्का। ठीक है, ये भी ट्रिक के आधार पे है, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, एस्किमो के घर बने होते हैं, बर्फ़ के जो घर बने होते हैं ना उसे एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किसको प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है वो अपने आधार से दो एंग्लो इंडियन को नामित करता है। ठीक है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण जो वो परिवार कल्याण से संबंधित है। कंटूर रेखा का मतलब क्या होता है, क्या दर्शाता है? कंटूर रेखा जो होता है वो हमें समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये स्थान समुद्र तल के समान ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट विशाखापट्टनम है। ठीक है, ये देखिए कलकत्ता और मुंबई और श्रीनगर तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही इधर उधर है। अब जब बाकी भूमध्य रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच काटती हुई निकलती है, इसका भी मैंने ट्रिक अपलोड किया, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के वेद व्यास है। घाना अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। दल बदली विरोधी कानून कब पारित हुआ? दल बदली विरोधी कानून 1985 में पारित हुआ था। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन जो है वो छिपरा नदी के किनारे स्थित है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की राजधानी है? क्या चंडीगढ़ है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ है? इलाहाबाद है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? श्रीलंका में सिंहली पाई जाती है सबसे ज़्यादा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट में अवतल, और इसका ट्रिक है जैसे उत्तल, उत्तल में आपका ऊ आ रहा है तो दूर, दू में ऊ आ रहा है, जैसे उत्तर दू ऊ, उत्तल हो गया और आपका दूर हो गया, इस तरह से एक फ्लो में जाता है। तो उत्तल लेंस किस में यूज होता है? दूर दृष्टि दोष में। बाकी उसका उल्टा हो गया तो वो निकट किस में होता है? अवतल लेंस में। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? लकड़ी में सबसे कम कोयला पाया जाता है। देखिए कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म होता है? नारियल का होता है वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया? दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? कांच का बना होता है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है अम्ल से अगर जिंक के टुकड़े को रिएक्शन कराया जाए तो। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या कैथोड का कार्य कौन करता है? शुष्क सेल में जिंक छड़ जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है। मीथेन गैस किससे बनता है? सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? चतुष्फलीय संरचना होता है हीरा का, और ग्रेफाइट का षटकोणीय संरचना होता है। ठीक है, उसके बाद है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है क्या होती है? ऋणात्मक होता है जिंक। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर जो होती है वो ऋणात्मक होती है। मानव शरीर में के रक्त में ग्रुप में मतलब कौन सा ग्रुप जो है वो मानव शरीर सबसे ज़्यादा इंसान में पाया जाता है? वो है B+ ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मशरूम क्या है? फंगी है मशरूम। ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। ये भी एक ट्रिक है, मैंने अपलोड कर दिया, देख सकते हैं जाके। दूध का शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? वो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप सारा ऐसे ही चाहते हैं
कि मैं सारा वीडियो अपलोड करूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस थैंक यू। आज तबीयत ख़राब है इसलिए मैं आज ज़्यादा समझा नहीं पाया, बाकी आगे वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छे से समझा के अपलोड करूँगा। थैंक यू।